सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। बीटा सेकंड ईयर के छात्र, बीटा सेकंड ईयर के छात्र के लिए आज हमने एक क्वेश्चन, जो शैक्षणिक टॉपिक है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे नीचे ऑब्जेक्ट को दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में परिच्छेद काट कर परी पहचान करें। अब ये नीचे ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसमें आपको सेक्शनिंग, जो सेक्शनिंग है उसको पहचान है। ये आपके सेक्शनिंग कौन सी सेक्शनिंग की गई है, तो आपके कुल सेक्शनिंग को आपको कई बार आप मुझे लगता है आप सभी समझ चुके होंगे। और 10 तरह की सेक्शनिंग होती है और आपको उसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सेक्शनिंग जो परिच्छेद होता है उसे डिटेल से समझाया गया था। तो उसमें आपको ये पता था कुल सेक्शनिंग, हाफ सेक्शनिंग, ऑफसेट सेक्शनिंग, ब्रोकन सेक्शनिंग, ऑफ ब्रोक ब्राउन सेक्शनिंग, ऐसे ऑफसेट सेक्शनिंग आदि कई प्रकार की सेक्शनिंग थी। तो उनमें से आपको ये ऑब्जेक्ट टू में सेक्शनिंग, ये कटिंग प्लेन लाइन डाल सेक्शनिंग लाइन डाली गई है 45 डिग्री में काट के उस पर ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। तो आप इसके माध्यम से ये बताएं कि दिए गए चित्र में आपको कौन सी सेक्शनिंग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 1/2 भाग कटने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट टू का 1/2 भाग आधा दो हिस्सों में बराबर बांट जाता है। तो वह फुल सेक्शनिंग के अंदर आता है और उसे संपूर्ण परिच्छेदन भी कहा जाता है। तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हमारा ये एक कोई भी चित्र या हमारे ड्राइंग दी गई है, कोई वस्तु दी गई है और इसमें आप 1/2 बार में काट के इसका चौथाई भाग कटा हुआ प्रदर्शित करें, जैसे इस जगह से इस जगह, ये भाग आपने कटा हुआ इसका प्रदर्शित किया, तो इसे आप हाफ सेक्शनिंग कहा जाता है। जो भी 1/2 भाग को किसी वस्तु के कटा से अधिक अटेंड करें। थैंक यू।